तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ दमीर, आशा, कहाँ जा रहे हो? आयशा वो सुनहरी बालों वाली थी? नहीं, वो यास। वो जलाल साहब ने बताया था कि उनकी बेटी भी यहाँ होती है, इसलिए पूछा। पता नहीं वो कौन सा दोस्त है, अल्लाह जाने। मैं बेटी हूँ उनकी, क्या ये काफी नहीं? ये शुएब है, मेरे शौहर। एक्सक्यूज मी, आप मेन्यू देखें, हम अभी आते हैं। आओ शुएब। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था गुलरेज साहिबा, मगर जो आपके भाई ने किया वो समझ से बाहर है। वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं नहीं जानता आपको ये बात मालूम है या नहीं। यानी सही कह रहे हैं? मगर जाहिर है हम सही कह रहे हैं। हमारे अपने मसाइल ही पहले से काफी हैं हमारे लिए, और हम आपके प्यार के लिए तरसे भाई से नहीं उलझना चाहते। ठीक है, देखें, हम दोनों आतिश और यास्मीन से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं चल सकता ना। जलाल आओ, मैं आओ। मैंने बच्चों को जाते हुए देखकर हाथ हिलाया, मगर वो रुके नहीं। हाय भाई, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? आतिश नहीं मिल रहा, यहाँ कहीं नहीं है, और अब बच्चे उसी को ढूंढने गए हैं। कल रात की वजह से है? हाँ, वो कल रात निकला और इनके घर पहुँच गया। घर पर? हाँ, वो मेंशन आया था, भाईजान के साथ उसकी बहस हुई और मैं कल रात से उसे तलाश कर रही हूँ। हर जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिला। और ये बच्चे कहाँ गए? दुरु झील की तरफ। गुलरेज, हम लोग इसी जगह पर अपना घर बनाएंगे। ये कितनी खूबसूरत है ना? हाँ बहुत। अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात यहीं पर गुजारें। शादी करके यहीं रहना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सा घर होगा हमारा, वहाँ बिल्कुल उस जगह पर खूबसूरत से बच्चे होंगे जो बिल्कुल हम पर जाएंगे। दुनिया की नजरों से दूर अकेले रहेंगे यहाँ। और हाँ, अगर तुम घर का काम नहीं करना चाहोगी तो कोई बात नहीं, वो भी मैं कर लूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर होगी। ये बहुत ही अच्छा होगा अमीन, लेकिन तुम बहुत ही जल्दी नहीं कर रहे हो। हमने तो अभी अपने ताल्लुक के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। पता नहीं हमारा ताल्लुक कितनी देर चलेगा। तो तुम चाहती हो कि हम ये बात सबको बता दें? मछली शिकार लग गया, यहाँ कर जरा स्टिक पकड़ना, जल्दी करो कहीं निकलना जाए। हाँ बस ठीक है। अमीन ये क्या है? ये है क्या? अपने रिश्ते को मजबूत बना रहा हूँ, यही चाहती हूँ ना? मैंने कहा था ना तुमसे कि यही वो जगह है जहां मैं अपनी जिंदगी के हर खूबसूरत लम्हात को कैद करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए। तुम मुझसे शादी करोगी गुलरेज? ये आतिश की आदत है, जब भी परेशान होता है तो वहाँ जाकर छुप जाता है। पता नहीं कैसी आदत है उसकी। वो एक बेहतरीन जगह है छुपने के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें आपची फैमिली की तरफ से कोई खतरा हो। ये तुम क्या कह रहे हो अमीन? अमीन साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इसलिए कि मैं जानता हूँ गुलरेज साहिबा, वो छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आतिश ने आपके भाई की तरफ से मिलने वाले खत के बाद वहाँ छुप कर बहुत अच्छा किया। खैर मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मेरे भाई ने जो खत भेजा था उसमें क्या लिखा था। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, प्यार की हमेशा जीत नहीं होती। बदकिस्मती से भाई जान इस हकीकत से वाकिफ ही नहीं है कि प्यार कहते किसे हैं। ये बात तो वक्त के साथ समझ आती है, लेकिन इस बार हम आपके भाई के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे।
अब ये क्या था? वाकई मैं नहीं जानता परियान, लेकिन फिलहाल मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं बच्चों को कॉल करती हूँ। ठीक है। हम आगे आ गए हैं, उफ, हम आगे निकल आए हैं, उफ यार, हम बहुत आगे निकल आए हैं। रुको, गाड़ी रुको यहाँ। यार मेरे अल्लाह, हमारी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो तुम। कब से बता रही हूँ कि हमें पीछे से मुड़ना है, लेकिन दरवाजा आराम से बंद करते हैं। एक मिनट यास्मीन, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? यार सुन क्यों नहीं रही? अच्छा ये बता, मुड़ने का निशान कहाँ पे था? वो दाएं मुड़ने को कह रहा था, हम बाएं। हम मुड़ने से पहले पूछ क्यों नहीं रहे थे? वहाँ मौजूद लोगों से हम लोगों ने क्यों नहीं पूछा? तुम्हें कहा था ना कि रुक के किसी से रास्ता पूछ लो, लेकिन मर्दों की अना का मसला क्यों बन जाता है किसी से कुछ पूछना? अब ये बात कहाँ से आ गई यास्मीन? इस बात से अना का क्या लेना देना? मर्द होने की हैसियत से हमें रास्तों के बारे में ज्यादा समझ होती है, मतलब मर्द ज्यादा जानते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौवे भी यही समझते हैं। इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो आतिश? छुपने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? इस सूरत हाल में तुम कैसे गायब हो सकते हो? आतिश मिल जाए बस, पहले मैं उसे ढूंढ लूँ, फिर मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों का जो तुम अपने दिल में सोचती रहती हो जवाब दूंगा। मेरे शोहर के बारे में सर तमीज से बात करो। मैं कैसे तमीज से बात कर सकता हूँ, खासतौर पर उसके इस कारनामे के बाद? बहुत ही अजीब हरकत की उसने। भला कौन ऐसा करता है? हम भी किसी की औलाद है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ओ भाई, आपने तो थका दिया, अगर नहीं आना था तो मना कर देते, मैं और यास्मीन अकेले आ जाते। खुदा के वास्ते इतना झूठ मत बोलो कि मुझे दो लड़कियों के सामने अपना मुंह खोलना पड़े। हमारा शहजादा जब बेचैन होता है तो अपने खिलौने उठाता है, अपना टेंट लेता है और झील के किनारे चला जाता है। अगर मैं ऐसी हरकत करता तो मेरे बाबा झाड़ू से मारते, तब कहीं जाकर मैं परेशान या बेचैन होता। एक बात बताऊं तुम्हें, ये सिर्फ अमीरों के चोचले होते हैं, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। मैं थक गई हूं, आज रास्ते में ही मैं बिल्कुल थक चुकी हूं। आयशा प्लीज, आतिश का नंबर ट्राई करो, मुझे लगता है हम भटक गए हैं। कैसे करूं, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। ये लो, सिग्नल चले गए। ठीक है, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ। भाई आप पहले कभी यहाँ आए हैं क्या? मैं पहले कभी इस तरफ नहीं आया, लेकिन हाँ दूसरी तरफ जरूर गए। समंदर के किनारे की खास बात ये होती है कि उसके आसपास मट्टी जरखेज होती है, यानी समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते में हरियाली होती है। हरियाली देखो, उस तरफ हरियाली बढ़ती जा रही है, देखो उस तरफ। कौवे वहाँ जाने के लिए हरियाली के साथ चलेंगे। वैसे कौवा ऐसे ही बोलता है ना? तुमने कौवे की आवाज निकाली थी, हो सकता है कौवा रास्ता दिखा दे। देखो वहाँ हरियाली है, हरियाली। अब मेरी कार मत तोड़ देना, वैसे ही बहुत पुरानी है। आराम से, आहिस्ता। जलाल, ये औरत तुम्हें मुसलसल घूरे क्यों जा रही है? मुझे घूर रही? हाँ, तुम ही को घूर रही है। मुझे क्या मालूम यार। रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। सुहेला, क्या हुआ? यहाँ आओ। क्या बात है अम्मी? कौन है ये औरत? कौन? क्या यहीं की है? मुझे किससे मालूम होगा, मैं कोई पुलिस में हूँ अम्मी। अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो सुहेला, कौन कहाँ किसे सब मालूम कर सकती हो। ये तुम्हें जानी पहचानी लगती है? एक मिनट रुके, सोचती हूँ। मेरे दिमाग के कंप्यूटर में इस वक्त इसके बारे में कोई शक्ल या आवाज नहीं आ रही है अम्मी। बेकार है तुम्हारा कंप्यूटर। परियान, खुदा के वास्ते एक ग्राहक हमारी दुकान में बैठा है, अगर कोई उसे घूरता रहा तो वो गैर महफूज फील करेगी। जलाल, क्या ये काम है तुम्हारा? क्या अब ये काम है तुम्हारा उस औरत की हिफाजत करना? जलाल, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो परियान? देखो जरा खुद को, कैसे फौरन से बीच में कूद पड़े। उसकी आंखें सिर्फ तुम्हारा नजारा कर रही है, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? इस औरत ने पूछा था मुझसे, क्या ये जलाल साहब की जगह है? देखो देखो तो इसे, क्या ये जलाल साहब की जगह है? अम्मी, मेरे पास एक आईडिया है ये जानने के लिए कि औरत यहाँ क्यों आई है। ये औरत हम में से किसी एक के पीछे। किसके? क्या ये वाजे नहीं है? मालूम कैसे करें? इसकी हरकतों को देखें, इस औरत की हम में से किसी एक पर नजर है। ये औरत एक सीरियल किलर है। सीरियल किलर? इसकी हरकतें देखे, शायद कोई एजेंट है। तुम पहले तय करो, ये सीरियल किलर है या एजेंट, दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों में से कोई एक ही हो सकती है। इसकी हरकतें देख रहे हैं आप, किस तरह मक्खन लगाने वाली छुरी के पकड़े हुए है। ये सीरियल किलर की खुसूसियत में से एक है। वाकई? हाँ, ये एक आम आदमी की तरह बर्ताव कर रही है, एक चालाक औरत की तरह, बिल्कुल एक आम शहरी की तरह, ताकि किसी को शक ना हो। एजेंट की खास बात क्या होती है पता है? बोल दूं? ये औरत
सीरियल एजेंट है। अबे चल, पागल मत बनो, फजूल बातें करके हमारा खून मत खोला। क्या बुराई है उसमें? देखो जरा, वो एक मासूम और क्या कहते हैं, नफीस औरत है। नफीस औरत है? हाँ, इसे नफीस कहा जा सकता है, मतलब नाजुक, हंस की मानिंद खूबसूरत। एक हंस? खुद देखो परी, हाँ। क्या तुम्हें देखने में नहीं लग रही? मैं क्यों देखूं? मुझे क्यों देखना चाहिए? तुमने उसे देख लिया, काफी है। और इस तरह वो भी खुद को तुम्हें देखने से रोक नहीं पा रही। मुझे पता चल गया वो कौन है। क्या? वो एक आशिक है, सीरियल आशिक लग रही है वो। सीरियल आशिक? इतने यकीन से कैसे कह सकते? उसे जरा खाते हुए देखो, कितने प्यार से खाते हुए अपने आशिक को याद कर रही है। ये आशिक मक्खन लगाने वाली छुरी वुरी क्या है? कुछ देर पहले वो सीरियल किलर थी। प्यार भी एक कत्ल होता है बाबा। ये नजरों से दिल पर गोली मारता है। और ये सिर्फ आप ही जानते हैं कातिल कौन है, और आप उसके लिए मर जाते हैं जैसे मैं मर गया। तुम दोनों को मैं मक्खन वाली छुरी से काट दूंगा। ऐसे तो ना करें ना बाबा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी औरत नजर आ रही है जिसे किसी से प्यार है, जुनूनी आशिक की तरह। क्या कर रहे हो तुम? ये दोनों तो बेवकूफ हैं। तुम तो कम से कम सोच समझ कर बात करो, मुझे और भी काम करने हैं। जा रहा हूँ मैं। तुम्हें अब कौन से काम करने हैं? जलाल साहब, गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ की जैम तो जबरदस्त है, आपने बनाई है? मैंने बनाए है मोहतरमा, इसकी बीवी होने के नाते। ये तो सिर्फ इसे खाना जानता है बस। अम्मे, आप नोश फरमाइए मोहतरमा। परियान, इतने सारे गाहकों के सामने तुमने ये क्या हरकत की? देखो जलाल, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, प्लीज इसे और मत खराब करो। आप इस औरत को कैसे जानते हैं बाबा? क्या कहा? जलाल, तुम तो ऐसे जाहिर कर रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते, यानी बहुत ही सीधे साधे से इंसान हो। तुम बड़े हो चुके हो जलाल, बहुत बड़े। उस औरत ने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा, जानते हो तुम लोग एक दूसरे। अल्लाह अल्लाह, मैं उस औरत को कैसे जानूंगा जिससे कभी मिला ही नहीं? जिस तरह तुम उससे मिले हो, कोई ऐसी औरत तो नहीं लगी जैसे तुम ना जानते हो जलाल। अल्लाह अल्लाह, अरे मैं उससे आज से पहले कभी नहीं मिला। I love you so much. कोई मेरी बीवी पर नजर डाले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। या अल्लाह तिश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? आतिश, कम से कम फोन तो उठाओ। हर वो शख्स जो पहुंच से दूर है वो यही है। फरमाइए। तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? कैसा? मुझसे ऐसा रवैया अपनाना जैसे मुझे नीचा दिखा रहे हो, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करना। चोट पहुंचाने की? हाँ। बिना चोट खाए और बिना तकलीफ महसूस किए कोई कैसे जान सकता है? क्या आपको कभी इस तरह का तजुर्बा हुआ है गुलरे साहिबा? अमीन, मत कहो मुझे अमीन। क्या कभी तुमने अपने दिल में आंसू बहाए हैं? ना तुम उसे मारना चाहती हो ना जिंदा रखना। तुम्हें तकलीफ हुई और फिर तुम वापस चली गई। अमीन, मैं, तुम तो जा भी नहीं सकते थे, फिर पीछे क्यों रह गए? गलत, गलत है। मुझे पीछे छोड़ दिया गया था, तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। तुमने मेरे सारे रास्ते बंद किए गुलरेज, तुम तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए तुमने। अमीन, देख, उसके बारे में मजीद बात नहीं करो प्लीज, इसे खत्म करो, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि इस मौसम को खत्म कर दो। जरूर। चाय, कॉफी क्या लेना पसंद करेंगे गुलरेज साहिबा? मैं आपके लिए मेन्यू लेकर आता हूँ। फिर वही किया, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? ये किस किस्म की सड़क है? कितनी खराब सड़क है। हाँ, ये सब संभालना तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। वो तो संभाल रहा हूँ, लेकिन ये सड़क नहीं, फुटपाथ लग रही है। क्या ये वाकई सड़क है यार?
हमें यही कहीं से मुड़ना था, लेकिन कहाँ से, ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा या सिग्नल्स नहीं आ रहे तुम्हारे? नो सिग्नल। तुम देख सकती हो ना कि कहाँ से मुड़ना था? याल्ला। आई, ओह मेरे खुदाया, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है भाई? मुझे क्या पता कि क्या हुआ। ये क्या हो गया? वाह, बस यही कमी रह गई थी। बहुत आला, क्या बात है, समंदर में कश्ती डूब गई। बस यही होना बाकी रह गया था, अब क्या होगा यार? अरे तो क्या हो गया, ठीक है हम मिलकर धक्का लगा लेते हैं इसे। तुमने कभी जिंदगी में ड्राइविंग नहीं की और अब अचानक किसी माहिर की तरह मशवरे दे रही हो। हाँ तो ठीक है, जैसे तुम चाहते हो हम वैसे कर लेते हैं। हम अंदर बैठ के इंतजार करते हैं, कोई ना कोई आके हमें बचा लेगा। ठीक है दमी। अच्छा चलो, तुम स्टीयरिंग संभालो। संभाल लोगी ना? जी ठीक है। और तुम यहाँ आओ, हम इसे धक्का लगाएंगे। आयशा स्पीड बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ। हाय। आयशा क्लच में से पैर मत हटाओ यार, मेरे पैर कीचड़ वाले हैं, खुद स्लिप हो गए। चलो एक्सीलेटर दबाओ और स्पीड बढ़ाओ आयशा, शाबाश। जब से ये लोग हमारी जिंदगी में आए हैं, कसम से बदकिस्मती है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ओह सुनो जरा, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे पहले तुम उस मोहल्ले में बहुत अजीम काम कर रहे थे। माती बनाता था, उसमें कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मानती ही भरी पड़ी है। मतलब? लड़के जरा अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, कुदरत के नजारे, दरख्तों, फूलों, सबको देखो, इस फ्रेश ऑक्सीजन को अपने लंग्स में भर लो। हाँ बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह, देखो शायद ऐसे ही तुम अपने अंदर मानती बनाने के अलावा भी कुछ खसूसियात ढूंढ लो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। हाँ लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया की भी हवा अपने अंदर डालो तो तुम नहीं कर सकते। चलो आयशा चलाओ, एक्सीलेटर पर धीरे से पाँव रखो। दबाओ आयशा दबाओ, चलो एक्सीलेटर दबाओ, चलो आयशा दबाओ। अरे क्या कर दिया ये? हद है, ये क्या किया तुमने, पूरे कपड़े गंदे कर दिए। अपनी हालत तो देखिए जरा भाई, हंसी क्यों आ रही तुम्हें? हाँ क्यों हंस रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ भाई, मजाक लग रहा है? अच्छा, भाई नहीं, अगर मजाक लग रहा है तो ये लो, अब हंसो, तुम भी हंसो। क्या किया है तुमने? मुझे क्या पता था जंगल में मेरे साथ ऐसा होगा। तुम मुझे हाल आई हो समझी? थू। खाना कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया, सब मजे का है। जबरदस्त, मैं यहाँ आपको पहली बार देख रहा हूँ, लगता है किसी ने रिकमेंड किया होगा। जी हाँ, मेरी दोस्त जमीला ने रेफर किया था। वाकई जो कुछ ऑर्डर किया है सब बहुत मजे का था। अच्छा, अच्छा। लज्जत है आपके हाथ में। वैसे आपकी दोस्त कहाँ रहती है? वो मेरी उम्र की है और काले घने से बाल है उसके, जिसके बाल चेहरे पे बिखरे रहते हैं। बिल्कुल। हाँ समझ गया, वो कल या परसों यहाँ आई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। पर, मैं नहीं जानती। खैर छोड़े, वैसे काफी जहमत उठानी पड़ी होगी आपको अगर आप दूर रहती हैं, और अगर नजदीक रहती हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। मैं बस ऐसे ही यही क्यों यही रहती हूँ। आई मीन यही शिफ्ट होने का सोच रही हूँ, अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ। यहाँ मोहतरमा माफ कीजिएगा, लेकिन ये सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा है, यानी यकीनन किसी के साथ कोई मसला ही होगा जो वो इस महल्ले में रहने की सोचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। समझा, ये शायद नहीं समझा, लगता है मैं वाकई नहीं समझा। पेटीज का ऑर्डर है आपका, जबरदस्त। अम्मी देखें हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। चुप। गुस्से में लग रही है। कैसे हैं आप लोग? अरे आप कैसी हैं गुलरेज साहिबा? अगर बुरा ना लगे तो ये मानती सामने वाली टेबल पर पहुंचा देंगी, वैसे आप पर ये हार बहुत जच रहा है। ले पकड़े भी। देखे वो वाली टेबल पर पहुंचाना है उसे, ठीक है? दूसरे ऑर्डर्स कब डिलीवर होंगे? हाँ
मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी आटे को कत्ल कर दी। तुम्हें क्या लगता है? आटा नहीं पापा की गर्दन है। उन लोगों की कोई खबर आई परिहान साहिबा? परिहान साहिबा, परिहान साहिबा। हाँ आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बच्चों की कोई खबर आई है? जलाल, जलाल देखो ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ आओगे? तुम्हारे पापा को पता ही नहीं यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुआ परियान? तुम यहाँ रुको। शुएब, तुम बाहर ग्राहकों को देखो। ये क्या चल रहा है? तुम्हारी उस हंसनी ने पेस्ट्री, मफिन्स और दूसरी चीजें खा ली, वो तकरीबन पूरी दुकान हड़प कर चुकी है, फिर भी वो यहाँ से क्यों नहीं जा रही? क्यों, क्यों, क्यों? मुझे क्या मालूम परियान, क्या मैं कस्टमर से ये कहूँ कि आप पूरा मेन्यू हड़प कर चुके हैं इसलिए जाइए? तुम ये कहोगे जलाल, तुम्हें ये कहना होगा। और वो अब तक पूरे टेबल पर कब्जा जमाए क्यों बैठी है? अगर वो खा चुकी है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बिला वजह किसका इंतजार कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या मेरे अल्लाह, मैं खाना खा चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया। जलाल साहब, आपके इस कैफे में सब कुछ बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया। चलो अब इनका बिल दे दो इन्हें। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले आखिरी बार एक मजेदार कॉफी का कप भी पी ही लूं मैं। हाँ, काश के सारे ग्राहक ही आपकी तरह समझदार हो जाएं। सही कहा ना, है ना बाबा? शुएब, शुएब, मेरी जान शुएब, देखो तुम्हें पता नहीं है अंदर की सारी मेजें तो भर चुकी है। हमारी शॉप तो रोज ही खुलती है, आप किसी और वक्त तशरीफ ले आइएगा। हम रोज इतनी अच्छी सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स को, है ना शुएब? नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकती कि ये अंदर बैठ के काफी नहीं पी सकती। सुहेला, ये मैंने आपके लिए चेयर लगा दी, ठीक है? यहाँ बैठे ना आप। थैंक यू सो मच। आराम से बैठिए। दरअसल हम अपने मेहमान को बहुत अहमियत देते हैं, हम उन्हें ग्राहक नहीं समझते बल्कि अपना मेहमान समझते हैं। यकीन है हमारा कि वो भी यही सोचते हैं, ना बाबा? चुप। सही तो कह रहा हूँ। तो फिर आज से आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो गयी है, ना बाबा? ये तुम क्या कह रहे हो शुएब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये भला हमारी फैमिली का हिस्सा कैसे हो सकती है? दामाद, क्या तुम खुद से चुप हो सकते हो या मैं तुम्हारी मदद करूं? देखो बेटा, तुम बहुत जल्द हमारी इस दुकान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दोगे। वो सीरियल किलर तुम्हारी अम्मी बनने वाली है, इसलिए अब खामोश हो जाओ। जलाल, चलो बाहर जाओ, ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बाहर जाने वाला था ना। चलो हम दोनों साथ चलते हैं, बाहर जाकर इमाम साहब से भी मिलना, तुम्हारी आखिरी रसूमात के बारे में बात करनी है उनसे। परिहान साहिबा, परिहान साहिबा। जी गुलरेज साहिबा, परिहान साहिबा, परिहान साहिबा, ये सब क्या है? क्या आप मेरा नाम याद कर रही हैं? ठीक है तो फिर मैं कुछ नहीं कहती। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? किस बात का इंतजार है? मैंने कहा ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, चलो जाओ। जी ठीक है परिहान साहिबा, मैं बाहर जा रहा हूँ फौरन, इसी वक्त। मिठू, पार्सल तैयार है, ले जाओ। जलाल को दे दो, वो ले जाएगा। आपकी जिम्मेदारी आज से मेरी जिम्मेदारी है बाबा। बताओ इन्हें तुम बेटा, कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की, कि अगर इसने गलती की है तो मैं उसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। ठीक है, बस रहने दो, शुक्रिया। ये क्या है? मुझ पर कीचड़ लगाना काफी नहीं था जो पत्थर से भी मारोगी? ये तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, कार को यहाँ से निकालने के लिए है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। मेरे ख्याल से भी ये तरीका सही है भाई। ठीक है लेकिन। ठीक है लेकिन क्या? लड़की बेहतर है, तुम केक बनाओ या कपड़े सियो, इस काम को मैं संभाल लूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं भाई, कि ये काम हम लड़कियों की बस की बात? मेरा मतलब ये नहीं था, यानी तुम लड़कियां हो और इस तरह के काम मुझे करने चाहिए, बस यही कह रहा था। तुम्हारा मतलब लड़कियां तुम्हारे पीछे रहे? अच्छा आप झगड़ा शुरू मत करना, फिर से शुरू मत हो जाना आप दोनों। क्या इन्हें इस तरफ रखे हम?
रुको जरा, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ जगह बन जाएगी। हमें इसे ऊपर उठाने के लिए नीचे और बड़े पत्थर रखने होंगे। चलो रखो रखो, और पत्थर रखो, जल्दी करो, शाबाश। बात सुनिएगा। बस अभी आ रहा हूँ आपके पास, बस अभी आया। ये लीजिए, आपने कॉफी का कहा था ना मुझसे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से है, चलिए पी लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आपके लिए चाय ला रहा हूँ। एक कॉफी ले आए मेरे। एक कॉफी? मेरे लिए एक चाय। एक चाय? मैंने आपसे एक केक का कहा। एक आपके लिए केक। एक मिनट, मैं भी आता हूँ। जलाल, जलाल आ जाओ, आपको धक्के लिए मेरी मदद करो। नामुमकिन है दोस्त, पार्सल पहुँचाना है मुझे। खाने का पार्सल? ये तो शुएब की जिम्मेदारी थी ना। मत पूछो यार, परियान साहिबा का हुक्म है। यहाँ एक औरत आई हुई है वहाँ। कैसी औरत, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें याद है वो औरत जिसके बारे में शक हुआ था हमें? हाँ। ये उसी की दोस्त है, उसने बड़ी तारीफें करके यहाँ भेजा है। यार सही बताओ, क्या इन औरतों के बारे में शुबे की कोई बात है, या सिर्फ मुझे ही साजिश महसूस हो रही है? यार हम पहले ही उलझे हुए थे और अब ये फिर से एक नया मसला। हर किसी पे मुझे अब शक होता है। जलाल, इस जगह कौन आएगा? हमारे दोस्त, मोहल्ले वाले और कौन? लेकिन जब से गुलरेज का फोन आया, बहुत सारी औरतों ने हमारे इलाके में आना शुरू कर दिया है। हाँ सही कहा, लेकिन ये औरत तो किराए के लिए जगह ढूंढ रही है। हर किस नहीं, वो चालाकी से हम तक पहुँचना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मेरा तो यही ख्याल है। साहिदा है यहाँ पर? साहिदा यहाँ नहीं है, वो तो कब की घर जा चुकी है। कैसे जा सकती है वो? जहाज से गई होगी, और कैसे गई होगी, चली गई है वो। अगर मैं और देर रुका तो पेस्ट्रीज बासी हो जाएंगी। चलो मैं चलता हूँ। तुम्हें हेल्पर की तलाश थी ना, ये है ना मोहसिन? यार जलाल क्या हो गया? यार रख लो इसे, पूरा दिन दुकान पर बैठकर वीडियोस देखता रहता है और कुछ नहीं। मोहसिन चलो अमीन भाई की हेल्प करो और मुझे जाने दो। अमीन मैं चलता हूँ, मैं उस औरत को दुकान पर ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकता, पता नहीं वो चाहती क्या है। मोहसिन तुम इनका ऑर्डर लो, ये पकड़ो। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या चाहिए? शुक्रिया, मेन्यू में क्या क्या है? थोड़ी सी परेशानी है। क्या मतलब, मेन्यू में आपकी परेशानी है क्या? हाँ मेन्यू। मोहसिन गाकर पूछो, ग्राहक इतना इंतजार नहीं कर सकते। शाबाश। बोरिक है, पेस्ट्रीज है, मानती है, और कुछ पेटीज भी है। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, कॉफी चाय, सब 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 कुछ लेकर आ जाओ, या कुछ खास चाहिए? चलो एक्सेलेटर पे पैर रखो। रुको 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 रुको, मैं तुम्हारा कीचड़ से नहीं नहाना चाहता, बस बहुत हो गया। उफ, आयशा एक्सेलेटर दबाओ। यासमीन शायद ये काम नहीं कर रहा। नहीं हो रहा। क्या हुआ आयशा, दोबारा कोशिश करो, हो जाएगा। इस बार ये काम करेगा, एक मिनट रुको। माशाल्लाह तुम्हें तो बड़ा दम है, अब इसका क्या करोगी तुम? दिखाई नहीं दे रहा कि छोटे पत्थरों से काम नहीं हो रहा? इस गाड़ी में भी तुम्हारी तरह सिर्फ भूसा भरा हुआ है और कुछ नहीं। ये सही नहीं है। सही है। देखो ये सही नहीं है। चलो आयशा एक्सेलेटर दबा। नहीं आयशा, एक्सेलेटर दो। एक्सेलेटर मत देना। बस बहुत हो गया, आप दोनों ने तो कंफ्यूज कर दिया है, ये बताएं करना क्या है? सुनो लड़की, हम यहाँ तक खवातीन की यकजहती की वजह से आए हैं, इसके बाद हम मर्दों के यहाँ पर गालिब हो जाने की वजह से हार नहीं मान सकते, और तुम अपना मुँह नहीं खोलोगे। जब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी तब तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना चाहूंगी। तुम कर सकती हो आयशा। बिल्कुल ठीक, मैं कर सकती हूँ। बहुत जबरदस्त, मुझे तो पहले ही मालूम था कि क्या होने वाला है। मुबारक हो तुम दोनों को। ये कैसी आवाज थी, अब क्या हुआ है? दो लड़कियों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए मर्दों को नीचा दिखाने की बेहतरीन कोशिश की, क्या बात है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि टायर एक ऐसी चीज है जो फट जाता है, जैसे केक फूलता है वैसे टायर फटता है। यहाँ ये हुआ है।
क्या हो गया है यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? इससे पहले रोशनी खत्म हो जाए जल्दी करो। वहाँ बैठ के लकड़ी को छीलने के बजाय यहाँ के मदद करो, कुछ तो मर्दानगी दिखाओ हमें अपनी। जाहिर है ऐसे ही होगा, चलो अब मान लो ये काम लड़कियों के बस का बिल्कुल नहीं है, समझ गई तुम दोनों? तो ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है क्या भाई? बेहतर होगा कि आप मजीद कुछ ना बोले। हाँ। बोलने दो ऐशा इसको, इसे बोलने दो, हम इसको मिल कर दिखाते हैं कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। चलो देखते हैं। चलो हटो, क्या करने वाली हो, इसके ऊपर खड़ी हो जाओगी क्या? ये किस किस्म की आवाज़ें हैं, मुस्तकिल आह आह कर रही हैं। आयशा, हाँ पहले इसे नीचे रखो फिर हम इसे ऊपर उठाएंगे, जरा हटो। ये बहुत पतले नहीं? तुम बीच में मत बोलो पत्थर इंसान। ये मैं करती हूँ, इसे किस तरफ घुमाना है यास्मी? इसे तुम दाएं से बाएं की तरफ घुमाओ लड़की। और ये तुमने टायर बदलना कहाँ से सीख लिया? हिलमी चाचा की वर्कशॉप में देखा था मैंने। तुम वहाँ पे ताका झाकी कर रही थी आयशा? हाँ चलो लड़की खड़ी हो जाओ और स्टीयरिंग संभालो, मैं ये जैक निकालती हूँ, अब तो गाड़ी को निकल जाना चाहिए। ठीक है तुम ये जैक निकाल लो। अरे इसे बंद मत करना। अच्छा ठीक है मैं इसे आगे वाली सीट पर रख दूंगा। पहले ही कह देते। ठीक है ठीक है। हाँ चलो। हाँ तो चलो अब देखते हैं। ऐसा करो तुम इस तरफ आ जाओ। निकाल लिया उसे, जरा अपना चेहरा तो दिखा मुझे। हाँ तो मिस्टर दमीर अब आप क्या कहेंगे सबके बारे में? बहुत आला, जबरदस्त, क्या बात है, मुबारक हो। अब से तुम अपना मर्द होने का गुरूर हमारे सामने नहीं दिखा सकोगे, खाक में मिला दिया हमने। ओह अब ये जैक वापस रखना है। आयशा क्या तुम्हारे पास वाइप्स है? हाँ अभी देती हूँ। बेहतर है हम इस टायर को पहले साफ करें। ठीक है रहने दो। भाई ये कीचड़ से भरा हुआ है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। ये लो यास्मी। भाई ले आप भी ले ले। पहले उसे दो। रुको पहले हाथ तो साफ कर ले दो। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें अगर अभी भी ये मुश्किल लग रहा है तो हम संभाल लेंगे। नहीं मैं संभाल लूंगा। क्या हो रहा है इसे? क्या हुआ है? मुझे क्या पता ये क्यों रुक गई? क्या पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं नहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हुई हो। क्या बैटरी डेड हो गई है? आशा चलती हुई कार की बैटरी कभी डेड नहीं हो सकती, समझी तुम? तो फिर अब क्या करेंगे हम? पीटेंगे इसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, भला हम इस कार को क्यों पीटेंगे? चलो तो फिर पहले टायर्स पे गोलियां चलाना शुरू करते हैं ताकि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। यार भाई जब भी कोई मसला होता है उसे मर्दों की अना बना लेते हैं, आप प्लीज ऐसा मत करें, इस वक्त मुश्किल में हैं हम। या अल्लाह सब्र दे मुझे, इस बयाबान जंगल में किन बेवकूफों में फंस गया हूं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इन लोगों का। सुनो कार को पीटने का मतलब है कि आप अपने पैर को एक्सीलेटर पे आहिस्ता से रखें और जब आपको लगे कि ये बर्र कर रही है तो इसका मतलब है वो पेट्रोल लेने लगी है और जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब तुम दोनों पीछे जाओ और धक्का लगाओ। अब समझ में आया ये मतलब था इसका। जल्दी करो। हैंड ब्रेक तो हटाओ। हटा चुका हूँ, ताकत लगाओ, चलो जोर लगाओ। क्या हुआ, ताकत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? कितना खाना खाती हो तुम लोग, चलो। थोड़ा और जोर यास्मीन। अब तक तुमने जो भी खाया उसका सबूत दो, चलो शाबाश जल्दी करो, चलो इस रफ्तार में तो कल सुबह हो जाएगी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं होगा, मुझसे मेरी जान निकल रही है यार और मेरी भी कलाइयां दुख रही हैं। देखिए भाई ये हमसे नहीं हो रहा। ठीक है लड़कियों लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा, तुम लोग जानते भी हो के वो हमें और कितनी दूर जाना है अभी। मुझे पहला क्या पता, रुको मैं देखती हूँ। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। आयशा, हाँ ये क्या कर रही हो तुम? ये
क्या कर रही हो तुम पागल लड़की, टेंट पड़ जाएगा गाड़ी पे, उतरो जल्दी से, ये क्या पागलपन है। चुप करो, रुक जाओ, मैं रास्ता देख रही हूँ, मत रुको। हाँ लेकिन ये तो पूरा रास्ता दिखा ही नहीं रहा है मुझे, कह रहा है आगे से दो रास्ते जा रहे हैं, उनमें से एक पे हमें मुड़ना है और वहाँ से पैदल नीचे। टेंट पड़ गया। हम पैदल चलने वाले हैं, पैदल और कोई रास्ता नहीं। ओह आतिश, अगर तुम वाकई भाव तो देखना मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ, छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। यास्मीन माफ करना, लेकिन तुम्हारे शोहर की वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर वक्त, और अगर ये सब कुछ जाया हो गया ना तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बिल्कुल सच में। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये दोनों ही बिल्कुल अपनी दादी पर गए हैं। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, चलते रहो। तुम जरा हटो यहां से, मुझे कुछ काम है। उनकी कोई खबर आई गुलरेज? नहीं। दमीर उनके साथ है, फिकर मत करो। नहीं, मुझे पता है वो साथ क्या है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो आतिश तक पहुंचे हैं या नहीं। आप खुद को मत थकाइए गुलरेज साहिबा, ये नहीं समझेगा क्योंकि इसका दिमाग किसी और तरफ है आज। या अल्लाह। जलाल, तुम में से किसी को मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। मोहसिन जब तक ऑर्डर लेगा गर्मियों का मौसम आ जाएगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता दोस्त। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? क्या है यहाँ, तुम क्यों नहीं जा सकते? ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं। मत जाओ, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी ताकि तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाए आज। तौबा। अम्मी क्या मसला है इसके साथ? यार परिहान का पारा चढ़ा हुआ है, मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है। ठीक है मैं भी चलता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाइए। मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? जलाल बाबा इन्हें अटेंड कर लीजिए। ये नहीं कर सकते, बल्कि बिल्कुल नहीं कर सकते। मोहतरमा असल में हमारे पास कॉफी ही खत्म हो गई है, यहाँ की खास चीज मानती है, कहीं वो भी खत्म ना हो जाए हमारे साथ। क्या हो गया बाबा? क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर है, ख्याल कर। आपके लिए तो कर रही हूँ बाबा, मैं जान से मार देंगी। बाबा आप मुझे इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मुझे भी। आप अचानक से बिल्कुल अजीब से हो गए, आम आदमी की तरह आप वो हरकतें ही नहीं कर रहे जो एक इंसान करता है। आप कुछ छुपा रहे हैं ना मुझसे? देखो। वाह क्या बात है, पकड़ा गया मैं। वो जो तुमने सीरियल किलर वाली बात की थी वो बिल्कुल सच है बेटा। देखा तुमने? वो हमारे आसपास ही है और वो कोई और नहीं है, वो सीरियल किलर मैं ही और दूल्हा का खून। क्या कहा आपने? और अगर ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो तुम्हारे कत्ल की न्यूज शाम की खबरों में आ सकती है। आपकी भी मुझे निकल आ सकती है अगर ज्यादा कॉफी पी तो। बाबा मेरे मिच्छू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे मिच्छू। माफ कीजिएगा मोहतरमा, माजरत चाहता हूँ। किस तरह की कॉफी पसंद करेंगी? जैसे पहले लेकर आए थे। जी अभी लाता हूँ। ओह इस जगह के नजारे तो देखो, कितनी खूबसूरत जगह पर रह रहा है ये आतिश। मिसेस परिहान बुरा मत मानिएगा, आप घर हो या मोहल्ला हर जगह पे आप एक ही जैसी लगती हैं। अपने बाल खुले छोड़ें, जरा सा मेकअप करें, थोड़ा सा ख्याल रखा करें अपना। मैं यास्मीन को लेकर घर वापस आ रहा हूँ। क्या क्या? आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।